सुर्खियों में रहते हैं, उनका कोई ना कोई विवाद मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। इसी संदर्भ में कैथल जिला के दो अध्यापकों और एक पत्रकार पर बिना वजह FIR दर्ज करवाने के विरोध में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के समर्थन के साथ राज्य मंत्री कमलेश डांडा के निवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे और कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर जल्द कैथल के उपायुक्त का तबादला नहीं हुआ तो 4 तारीख से बड़ा आंदोलन होगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हड़ताल तो हमारी जारी है, लेकिन हमारे दो अध्यापकों का कैथल के अंदर जो है सस्पेंड किया है हमारे अध्यापकों को, और उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की तरफ से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो FIR दर्ज की है वो रद्द की जाए, और जो उपायुक्त महोदय का जो रवैया है उसकी भी हम निंदा करते हैं, और ऐसे DC की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने आंगनवाड़ी के साथ भी जब वो आए थे उनका रवैया यही था। अभी हमने ये सिम्बोलिक प्रदर्शन किया है, हमने सिर्फ चेताने के लिए किया है भाई DC साहब या तो समझ जाइए, नहीं 4 तारीख से लगातार कैंप ऑफिस का घेराव होगा, और जब तक यहाँ उपायुक्त महोदय की ट्रांसफर नहीं हो जाती हमारे जिले में ऐसे अधिकारी। वहीं कैथल से संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गया इस मामले पर पूरी जानकारी के लिए। तो अनिल, अभी तक का क्या पूरी जानकारी है इस मामले पे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है जुलाई 2021 का जुड़ा हुआ है, जब जो है देर रात जो है कुछ कॉलोनी वासियों ने DC आवास खान के बाहर जो है प्रदर्शन किया था, और वहां पे जो सुरक्षा में तैनात कर्मचारी है उसकी जो शिकायत के ऊपर जो है लगभग 40 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो जो है वो अध्यापक थे, और बीते दिनों जो है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो है उन दो अध्यापकों को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज थी। इसके चलते जो है पूरा जो मतलब अध्यापक संघ है वो रोष प्रदर्शन है, और कल जो है जितने भी अध्यापक संघ के सदस्य हैं और जो सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य और आंगनवाड़ी वर्कर के जो सदस्य हैं, उन्होंने मिलकर जो है राज्य मंत्री के निवास स्थान के बाहर प्रदर्शन किया, और उनकी ये मांग थी कैथल के उपायुक्त जो है उनका तबादला किया जाए, शिक्षा अधिकारी का तबादला किया जाए, और जो अध्यापक बर्खास्त सस्पेंड किए गए हैं उनको जो है बहाल किया जाए। इसको लेकर जो है लगातार जो है आंगनवाड़ी वर्कर अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, और आज जो है आज भी जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है लघु सचिवालय के अंदर अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि रात जो है इस मामले में एक नया मोड़ भी आया है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और आंगनवाड़ी जो यूनियन की नेता है राज्य महासचिव है शकुंतला, उनको देर रात जो है पद से बर्खास्त कर दिया गया है, और देर रात जो है इसके आशय जो है इस आशय की जिन जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है, उसके बाद जो है जो अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो भी जो है काफी गुस्से में है, और आज जो है उनका जोरदार प्रदर्शन रहेगा और लघु सचिवालय के अंदर प्रदर्शन रहेगा, जिसके चलते जो है प्रशासन ने भी एहतियातन जो है सुरक्षा के प्रबंध पूरे कर दिए हैं, जहां पर पुलिस कुछ पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं वहीं पर जो है बसें भी लगाई गई हैं, ताकि अगर उनको हिरासत में लेना पड़े तो उनको हिरासत में भी लिया जा सके। जी, किन वजहों से उन दो अध्यापकों को जो है वो सस्पेंड करा गया था? जी, अध्यापकों को सस्पेंड इसलिए किया गया था क्योंकि जब DC के निवास स्थान के बाहर प्रदर्शन हुआ था तो उस प्रदर्शन में जो दो अध्यापक है वो शामिल थे, और उनके खिलाफ जो है सुरक्षा कर्मचारी था DC निवास के बाहर, तो उसने जो है इनकी शिकायत दी थी, और शिकायत के बाद जो है इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, और पिछले कुछ दिनों से जो है पुलिस लगातार जो है उस जो प्रदर्शन में लोग हैं उनको गिरफ्तारी के लिए जो है घूम रही थी, और ये जो अध्यापक अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए थे, और जो जिला निदेशालय है शिक्षा निदेशालय उनकी तरफ से जो है कोई इंटीमेसी आई थी जिला शिक्षा विभाग के पास, उसके बाद जो है दोनों अधिकारियों को जो है सस्पेंड कर दिया गया। जी, आंगनवाड़ी राज्य महासचिव को बर्खास्त किया गया, और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि अब 20 आंगनवाड़ी वर्कर्स को और बर्खास्त किया जाएगा। जी बिल्कुल, देर रात जो है यहाँ की जो CDPO है उनसे हमारी बात हुई थी, उनको ये कहना था कि सुबह तक जो है 20 जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनके खिलाफ भी जो है 100 नोटिस जारी किया जाएगा, अगर उन्होंने जवाब जो है सही नहीं दिया तो उनको भी जो है बर्खास्त किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है सख्त मूड में नजर आ रहा है, सख्त रवैया नजर आ रहा है, क्योंकि पहले अध्यापक संघ के सदस्य जो सस्पेंड किए गए हैं, उसके बाद जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो महासचिव है यूनियन की महासचिव है उसको भी जो है बर्खास्त किया गया है, और अब जो है 20 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी जो है नोटिस निकालने की प्रशासन के द्वारा तैयारी कर दी गई है, और हो सकता है कि आज सुबह ही जो है नोटिस दे दिया जाए, उनके पास टाइम के बाद उनको भी बर्खास्त कर दिया जाए। जी, जो अधिकारी और प्रशासन है उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि प्रदर्शन जो है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है?
देखिए प्रदर्शन के लिए जो है समझाने की भी कोशिश की जा चुकी है। राज्य मंत्री के जो निवास स्थान पे लगभग प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद कार्यकर्ता जो अधिकारी थे उन कार्यकर्ताओं को समझाया था कि भाई ऐसा है, आपके लगभग मांगे जो है सरकार के द्वारा मान दी गई है और कुछ जो मांगे हैं वो तो नहीं मानी जा सकती, उनको जो सरकार के द्वारा छोड़ दिया गया है। तो अधिकारियों का कहना था, अधिकारियों ने समझाया था कि आप जो है कर्मचारी छोड़कर ड्यूटी पे आए, लेकिन उसके बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो ड्यूटी पे नहीं आए, इसके चलते जो है प्रशासन ने भी अपना सख्त रवैया अपना लिया है। जहां एक और जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो नेता है, राज्य की महासचिव भी है शकुंतला, उसको जो है बर्खास्त कर दिया है, और जो 20 अध्यापक है उनके खिलाफ भी जो है शो कॉज नोटिस देने की तैयारी की जा रही है, ताकि उनको भी अगर उनका जवाब नहीं मिलता तो उनको भी बर्खास्त किया जा सके। जी अब कमलेश ढांडा जी के निवास स्थान पर भी उनका प्रदर्शन जारी है, ऐसे में उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए राज्य मंत्री का पीछे भी हमारे उनसे बात हुई, उनका ये कहना कि ये जो मामला है स्टेट लेवल का नहीं है, ये सेंटर लेवल का मामला है, तो प्रदेश सरकार जो है इसमें ज्यादा कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकती, तो जो भी रूल और नियम बनाए जाते हैं वो जो है केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के पास प्रदेश सरकार द्वारा मांगे जाने चाहिए, प्रदेश सरकार ने मांग ली है, इसलिए तो उनका यही कहना है कि जो बेसिकली उनकी मांगे हैं वो केंद्र सरकार के पालन में ही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कैथल में लगातार जो है वो प्रदर्शन जारी है, कैथल के उपायुक्त प्रदीप दाहिया अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, ऐसे में प्रदर्शन के दौरान उनको हटाने की मांग की जा रही है, वहीं अब प्रदर्शन कमलेश डांडा के निवास स्थान पर किया जा रहा है। पर जो है वो प्रदर्शन जारी है, डीसी प्रदीप दाहिया को हटाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां अध्यापकों का और आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है, वही डीसी प्रदीप दाहिया को हटाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है।